नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार। बिहार में आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में कई खामियां आई सामने। बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला, मैट्रिक, इंटर या IIT डिप्लोमा अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार में हुई अधिक GST की वसूली। इस तरह से सफाई करके अपने फोन को बनाए नए जैसा। टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS ने 5,351 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। IBPS द्वारा 5,351 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होने चाहिए। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन, पुरातत्व एवं कला संस्कृति के संरक्षण एवं विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन में बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। 1 से 3 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की टीमों ने भाग लिया और अपने संग्रहालयों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार के संग्रहालय निदेशक राहुल कुमार ने बिहार सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अरवल जिले के बारे में। यदि आप अरवल जाने वाले हैं और यहां पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पर्यटन स्थल के रूप में आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहां घूमने के स्थान में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं। यहां आने के बाद आप गौतम बुद्ध के मंदिर, फखरपुर मंदिर, मखदूम शाह का मजार और अगनूर जल विद्युत परियोजना को देखने जा सकते हैं। इनमें से अधिकतर पर्यटक स्थलों पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के जरिए जा सकते हैं। बिहार में आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में कई खामियां आई सामने। 15 दिनों में व्यवस्था सुधारने का मिला अल्टीमेटम। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में बिहार सरकार के मंत्री ने रविवार की सुबह बिहार के बगहा में आवासीय राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति +2 विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों की व्यवस्था में कई खामियां पाई हैं, जिसे उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को जल्द से जल्द सुधारने की हिदायत दी और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में बिहार सरकार के मंत्री ने 15 दिनों की मोहलत दिया है। इसके साथ ही अनियमितता दूर नहीं होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला, मैट्रिक, इंटर या ITI डिप्लोमा अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। बिहार के बेगूसराय में 12 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है, जो बिहार में नौकरी तलाश करने में लगे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। इस जॉब कैंप में प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी में सैकड़ों युवाओं को जॉब मिलेगा। 12 अगस्त को बेगूसराय नियोजन कार्यालय में DSETS प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के उम्र के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को सबसे पहले नियोजनालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए इस स्टेप्स को करें फॉलो। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाते हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट appsonline.bih.nic.in/mmgpy/account/login.aspx पर जाना होगा। यहां आने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर यहां अपना लाइसेंस नंबर भरेंगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। उसके बाद होम पेज पर आने के बाद लॉगिन आर क्लिक करेंगे। फॉर्म में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें, फिर कैप्चा डालकर लॉगिन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें, उसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरें, फिर फॉर्म को सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अगले पेज में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, फिर सबमिट कर क्लिक कर दें। आपका आवेदन जमा हो जाएगा। ध्यान रखें, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि लाभुकों को CFMS के माध्यम से खाते में दी जाएगी। नवादा के बाद अब बिहार के इस जिले में सीमेंट कारखाने के लिए अडानी ग्रुप ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। नवादा के वारसलीगंज में शुरू हो रहे अडानी ग्रुप के सीमेंट कारखाने के शिलान्यास के बाद अब बिहार में अडानी ग्रुप ने एक और जिले में सीमेंट कारखाना खोलने का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने अडानी ग्रुप के बिहार में हुए निवेश के बाद कहा कि यह तो महज शुरुआत है। अडानी ग्रुप और बहुत सारी कंपनियां बिहार में निवेश को इच्छुक हैं। अडानी ग्रुप ने मुजफ्फरपुर में भी सीमेंट कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। नीतीश मिश्र ने आगे बताया कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अडानी ग्रुप करीब 1,000 करोड़ का निवेश करना चाहता है और सरकार अडानी ग्रुप के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस तरह से सफाई करके अपने फ़ोन को बनाएं नए जैसा। अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया है तो कुछ टिप्स को अपना कर आप इसे नए जैसा बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन को साफ करके कैसे नया बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन को बंद करके इसे पावर सोर्स से डिसकनेक्ट कर दें। इससे आप फ़ोन को साफ करने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं। फिर एक माइक्रोफाइबर कपड़े से फ़ोन के स्क्रीन और बॉडी को साफ कर लें। इससे फ़ोन में लगे धूल और उंगलियों के निशान साफ हो जाएंगे। फिर आगे इसोप्रोपाइल अल्कोहल और पानी को बराबर के अनुपात में मिलाएं। फिर हल्का माइक्रोफाइबर कपड़े पर स्प्रे कर उसे साफ कर लें। ध्यान रखें अल्कोहल का संपर्क सीधे फ़ोन से ना हो। इस तरह से साफ करते रहने से आपका फ़ोन नए जैसा बना रहेगा और फ़ोन का संपर्क किसी बैक्टीरिया या गंदगी से भी नहीं रहेगा। सीएम उद्यमी योजना के लाभार्थियों पर सरकार का 112 करोड़ बकाया, 4 साल में नहीं की लोन की एक भी किस्त जमा। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2018 से 22 यानी कि पिछले 4 सालों में 84% लाभार्थियों ने लोन की एक भी किस्त जमा नहीं कराई है। इस प्रकार लाभार्थियों पर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख रुपए बकाया है। अब तक विभाग को कुल कर्ज की केवल 16% राशि ही प्राप्त हो पाई है। ऐसे में शेष 84% राशि प्राप्त नहीं होना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करता है। विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अब तक कर्ज नहीं चुकाया है उन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। शिक्षक संघ ने सभी कोटि के शिक्षकों के ऐच्छिक पोस्टिंग की कर दी मांग। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग बिहार में शिक्षक संघ द्वारा की गई है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा है कि शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापना का लाभ मिलना चाहिए, इसमें पुरुष शिक्षकों की अनदेखी उचित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वो भी अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने को विवश हैं, बच्चों और माता पिता की देखभाल तक सही से नहीं कर पा रहे हैं। SBI के ग्राहकों को सरकार ने किया अलर्ट, करोड़ों ग्राहकों पर मंडरा रहा फ्रॉड का खतरा। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए सरकार द्वारा वार्निंग जारी किया गया है। SBI के ग्राहकों पर फ्रॉड का खतरा मंडरा रहा है। SBI के नाम पर मिलने वाले फेक मैसेज को लेकर सावधान रहने की सलाह सरकार द्वारा दी गई है। PIB फैक्ट चेक की ओर से जारी किए गए अलर्ट में SBI के ग्राहकों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहने वाले मैसेज से सावधान रहें, क्योंकि ये मैसेज देखने में SBI का लगता है मगर वास्तव में ये फेक है। इस तरह के मैसेज मिलने पर सीधे SBI के अधिकारी से संपर्क कर वेरीफाई करने को कहा गया है। किसानों को ऋण देने में बैंक कर रही लापरवाही।
किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के स्तर पर बैंकों को सीडी रेशियो दुरुस्त करने के लगातार निर्देश दिए जाते हैं। बावजूद इसके कृषि ऋण देने में बैंक कई तरह की लापरवाही बरत रही है, जिस वजह से आवेदन के बाद भी किसानों को ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंकों ने लक्ष्य के विरुद्ध बहुत कम किसानों को ऋण अभी तक दिया है। आपको बता दें कि किसानों को आसान शर्त और कम ब्याज दर पर खेती को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ऋण देने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन फिर भी किसानों को लोन लेने के लिए कई जगहों पर काफी परेशानी हो रही है। RBI ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दी बड़ी अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। RBI ने कहा है कि 2000 रुपए के 97.92% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। सर्कुलेशन से हटाए गए केवल 7,409 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 वाले नोट अब लोगों के पास हैं। मालूम हो कि RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की गई थी। RBI ने बताया कि इस दौरान चलन में 2000 रुपए के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपया था, जो 31 जुलाई 2024 को घटकर 7,409 करोड़ रुपया रह गया। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्रुति झा के बारे में। श्रुति झा एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी टीवी में काम करती हैं। इन्होंने कई टीवी सीरियल में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए 2 ITA पुरस्कार, 2 इंडियन टेली पुरस्कार और 2 गोल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार में हुई अधिक GST की वसूली। GST संग्रहण के जुलाई में राज्यवार आंकड़े का पता चला है। इसके तहत बिहार में 1569 करोड़ रुपए की वसूली जुलाई महीने में हुई है। यह आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। जुलाई 2023 में बिहार में GST की वसूली 1488 करोड़ रुपए हुई थी। वहीं समान अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहण में 9% की वृद्धि हुई है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना में बिहार आगे रहा। बिहार में जुलाई में इन राज्यों की तुलना में क्रमशः 2 और 1% अधिक GST की वसूली हुई है। आज बिहार के इन जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। बिहार में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। गर्मी से परेशान लोगों को और किसान को इस बारिश का लंबे समय से इंतजार था। अब प्रदेश में बारिश होने से लोगों को राहत मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रविवार को पेरिस ओलंपिक में हॉकी का क्वार्टर फाइनल मैच भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को शूटआउट में हराकर भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इस दौरान कुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा। हरमनप्रीत सिंह ने फुल टाइम तक भारत की तरफ से गोल दागे, वहीं ली मार्टन ने ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से गोल किया। फिर मैच शूटआउट पर चला गया। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन को भारत ने रोमांचक शूटआउट में 4-2 से हराया। आरक्षण के मामले में ट्वीट के जरिए तेजस्वी ने NDA सरकार को घेरा। अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरते हुए उन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में देश में पहली बार बिहार में जातिगत आधारित गणना और उसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ साथ जातिगत गणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। BJP और NDA के लोगों ने दलितों और पिछड़ों व आदिवासियों के लिए आरक्षित 65% आरक्षण सीमा को रुकवा दिया। आगे उन्होंने कहा कि NDA की केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी है, इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रही है। लालू यादव की पार्टी RJD के कई नेता हुए JDU में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बिहार की सियासी हलचल भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार की सियासत में बवाल मचा है। राजद के कई नेता JDU में शामिल हो गए हैं। मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला भी बोला।
मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना विशेष राज्य किनकी सोच है ये पूरा बिहार जानता है। अब बिहार में श्रेय लेने की होड़ मची है। डबल इंजन सरकार ने यह साबित किया है कि कैसे केंद्र सरकार बिहार को विशेष मदद दे रहा है। किसानों को लेकर सांसद पप्पू यादव ने की सरकार से बड़ी मांग। लोकसभा सत्र के बीच में रविवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी बात कह दी। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मखाना का बड़ा हब कोसी और दरभंगा है, जो पूरे विश्व को मखाना की आपूर्ति करता है, लेकिन आज तक मखाना पर MSP लागू नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मखाना के मूल्य को अपनी सुविधा के मुताबिक नियंत्रित करते हैं, जो सिंडिकेट बनाए हुए हैं, और इस वजह से किसानों को उनका सही कीमत नहीं मिल पाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी सत्र में सदन में यह मुद्दा उठाएंगे और जब तक मखाना किसान को MSP का लाभ नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे नहीं। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, नीतीश लालू और भाजपा से मुक्त होगा बिहार। जन सुराज मिशन पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं बना रहा है, बल्कि बिहार के 1 करोड़ लोग अपने बच्चों के भविष्य और लालू नीतीश और भाजपा के 30 साल के शासन से मुक्ति के लिए एक पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब भी प्रशांत किशोर की भूमिका पहले जैसी ही होगी, जैसे मैं पहले दल और नेताओं को सुझाव देता था, अब बिहार की जनता को सुझाव दे रहा हूं। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर एक पार्टी बनाएंगे। गिरिराज सिंह ने उद्धव ठाकरे पर बोला जोरदार हमला, बाला साहेब के संस्कार को मिट्टी में मिलाने का लगाया आरोप। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर पिता बाला साहेब ठाकरे की विरासत और उनके संस्कार को मुस्लिम वोटरों के लिए मिट्टी में मिला देने का आरोप लगाया। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना करते हुए अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज करार दिया था। इसी के हवाले से जब गिरिराज सिंह से पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे वोट की खातिर अपने पिताजी का संस्कार भूल गए, अपनी पहचान भूल गए। उन्होंने आगे कहा कि आज जो मुसलमान के वोट के लिए खुद अहमद बन गया हो वो क्या बोलेगा। टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे विश्व कप 2023 में अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था। शमी ने 7 मैचों में 23 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, मगर इस दौरान उन्हें दाहिने हाथ में चोट लगने की वजह से मोहम्मद शमी फिलहाल काफी समय से मैदान से दूर हैं। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए फिलहाल मोहम्मद शमी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शमी वनडे विश्व कप 2023 के समय इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद से ही शमी रिकवर होकर मैदान पर वापसी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। टीम इंडिया में वापसी के लिए शमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी के बारे में बात करते हुए शमी ने यह खुलासा किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2008 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से 176 मील उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज के ही दिन वर्ष 2013 में भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। आज के ही दिन वर्ष 1901 में द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज के ही दिन वर्ष 1969 में वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर कश्मीर के नाम वायरल हो रहा है ये वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में एक लड़के ने सेना के जवान पर पत्थरबाजी की और जवान ने तुरंत उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस वीडियो का कश्मीर या भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो वर्ष 2022 में बोलीविया का है, इसलिए इस तरह के फर्जी वीडियो पर विश्वास करने से बचें।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 31 जुलाई, ऑप्शन डी 2 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अगस्त। हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए विकास लखेरा, ऑप्शन बी राधा मणि शंकर, ऑप्शन सी उमेश दयाल या ऑप्शन डी रागनी सोनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विकास लखेरा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए उर्मला दक्षित, ऑप्शन बी उत्तम दुबे, ऑप्शन सी परिमल नाथवानी या ऑप्शन डी शेखर कपूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परिमल नाथवानी। बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रोहतास या ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दरभंगा। बिहार के किस अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षी आते हैं? ऑप्शन ए कुशेश्वर अभयारण्य, ऑप्शन बी गोगाबिल अभयारण्य, ऑप्शन सी बक्सर अभयारण्य या ऑप्शन डी सुहिया अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुशेश्वर अभयारण्य। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, कस्तूरी शर्मा, संजय शर्मा, विनेश यादव, सुमन कुमार मिश्रा, विनय कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजकिशोर महतो, पंकज कुमार दास, गुनर शर्मा, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद असगर कमाल, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।